हाँ तो दोस्तों चलिए अभी पबजी टेस्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एलेक्स और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रियलमी का नार्जो 10 है, जो मेरे बगल में रखा हुआ है। और ये फ़ोन हम लोग अभी अनबॉक्सिंग करेंगे क्विक और रिव्यू देंगे कि ये फ़ोन कैसा है, क्या क्या इसमें नए फीचर देखने को मिलता है, वो जल्दी इसका हम देखते हैं अनबॉक्सिंग करें। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, ये रहा हम लोग के सामने एक बॉक्स। ये एकदम नॉर्मल सा है बॉक्स, एकदम रियलमी का यूनिक स्टाइल का बॉक्स है। इसमें येलो कलर का है और यहाँ पे लिखा है नॉर्जो 10 है। बैक बॉक्स की बैक साइड में देख लेते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है एम आई ट्रिपल कैमरा, जिसमें एक है मेन कैमरा है हम लोग का 12 MP का, उसके बाद है 2 MP का हम लोग का माइक्रो और 2 MP का हम लोग का है डेप्थ सेंसिंग के लिए। उसके बाद इसमें ये फ़ोन में एक बड़ी बात है कि इसमें 5000 mAh बैटरी मिलता है और इसमें क्विक चार्ज भी है, वो आपको आगे दिखाएंगे। उसके बाद इसमें मीडिया टेक का प्रोसेसर मिल रहा है, वो भी G70 है, एक थोड़ा गेमिंग टाइप का है। और इसके डिस्प्ले की साइज़ मैं बता देता हूँ, 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन वाला डिस्प्ले है, जो कि आजकल ट्रेंड है, सभी फ़ोन मिलते हैं। और मेरे पास जो कलर है वो सो वाइट है, ये दो कलर में अवेलेबल है, सो वाइट और सो ब्लू में। तो मैंने लिया था सो वाइट में, क्योंकि अभी ये फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऐसे भी ब्लैक मार्केट में अभी मिला है मेरे को, 1000 एक्स्ट्रा पर हमको पड़ा। तो इसका ऑनलाइन प्राइसिंग है 10,000, लेकिन मैंने लिया 11,000 में। और आप देख सकते हैं 4GB रैम, 64GB रोम, ये इसका वेरियंट है। और ये दो वेरियंट में आता है, एक है 32 वाला है और एक 464। बस ऐसा ही कुछ है, सिंपल सा बॉक्स। तो चलिए इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं अपने ऑरिज वाले नाइन के साथ। इसको रखते हैं साइड में, ये रहा हमारा डिवाइस, इसको हम लोग निकालते हैं, इसको रखते हैं हम लोग साइड में। आते हैं बॉक्स के कंटेंट में तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है माइक्रो USB केबल है और एडाप्टर की तरफ जाते हैं आगे। तो ये एक रियलमी का है एडाप्टर, 5V 2 A की है यहाँ पे इसकी रेटिंग। और ये बेसिक सा हमको लग रहा है, जो सभी रियलमी के डिवाइस के साथ आता है। और आगे की तरफ देखते हैं तो ये रहा, इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिखाता है लेट एम्ब्रेस ए न्यू जर्नी, ये सिम इजेक्टर टूल हम लोग का, जो कि कुछ दिन के बाद खो ही जाता है ऑलमोस्ट सभी के साथ। इसको रखते हैं साइड में और आते हैं इसके बेसिक से डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। इसके अंदर वारंटी कार्ड भी हम लोग को देखने को मिल जाती है पीछे में, तो ये सब कोई पड़ता नहीं। इसको रखते हैं साइड में, आते हैं मेन तरफ फ़ोन की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा इस तरह का पैकेज में आता है। तो करते हैं ओपन, तो ये रहा रियलमी का, आप देख सकते हैं फ़ोन बहुत बड़ा साइज़ का है, सारी फिर वाइट कलर में अच्छा लग रहा है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाइट कलर में ज़्यादा ही बेटर लग रहा है मेरे को, अलग टाइप का लग रहा है दिखने को, शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे क्लियर, लेकिन ये हाथ में लेने के बाद एक अलग ही टाइप का फीलिंग आ रहा है इस तरह का, ये वाइट। और यहाँ पे लिखा है बड़े बड़े अक्षर में रियल मी, और ये मैट फिनिशिंग में है, तो हमको नहीं लगता ये फिंगर प्रिंट लगेगी इसमें, जो लग जाती है ऑलमोस्ट सभी डिवाइसों में। और ये ग्लास प्लास्टिक दोस्तों। फिजिकल ओवरव्यू की हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारे फ़ोन के राइट साइड में हम लोग को दिखता है यहाँ पे पावर बटन और अनलॉक बटन, और वो टॉप साइड में कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड में फ़ोन के आते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलता है, और उसके बगल में हमारे सिम ट्रे, जो कि हम लोग के डेडिकेटेड स्लॉट है 2 SIM के साथ मेमोरी कार्ड। फ़ोन के नीचे साइड आते हैं तो यहाँ पे हम लोग का 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, उसके बगल में हम लोग का प्राइमरी माइक्रोफोन, उसके बगल में हमारा माइक्रो USB केबल जो लगता है चार्जिंग पोर्ट है, और उसके बगल में स्पीकर। और फ़ोन की बैक साइड में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है रियलमी का बड़ा सा ब्रांडिंग, और यहाँ पे बीच में है फिंगरप्रिंट सेंसर, और ये हमारा तीनों कैमरा, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, पहले कैमरा हम लोग का 12 MP का है, दूसरा हम लोग का है 2 MP का आपका डेप्थ सेंसिंग के लिए, और तीसरा जो कैमरा है वो हमारा 2 MP का माइक्रो फोटोज के लिए, और बगल में LED फ्लैश AI सुपर कैमरा यहाँ लिखा हुआ है f1.8 अपर्चर के साथ। तो बस इसको बूट अनलॉक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये फ़ोन बूट हो चुका है हम लोग का, और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसका इंटरफेस। तो ये कुछ इस टाइप का है, रियलमी का नॉर्मल जो रहता है हमारा रियलमी का UI,
मैं पर्सनली एम आई का फ़ोन यूज़ करता है तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन चलिए आके देखते हैं सेटिंग्स में क्या क्या है। तो फ़ोन के अबाउट फ़ोन के बारे में चल जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ रियलमी नार्जो 10A, क्योंकि रियलमी यू आई वर्धन 1.0 में है और प्रोसेसर G70 आपको बताए थे, आपको पहले ही बता दिए थे कि इसमें 64GB इंटरनल मेमोरी है, लेकिन अवेलेबल इसमें 50.6GB दिखा रहा है स्टोरेज और रैम या 4GB का। एंड्रॉयड वर्जन हम लोग को 10 मिल जाता है जो कि अप्रैल का सिक्योरिटी पैच दिया है, बहुत अच्छा है, लेटेस्ट एकदम है। अब तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपको दिखा देते हैं कि ये स्लॉट हम लोग का डेडिकेटेड है, आप लोग देख सकते हैं कि हम दिया हुआ है SIM1, SIM2 और मेमोरी कार्ड तीनों एक ही में, ये डेडिकेटेड है, अच्छी बात है। बहुत से डिवाइस में अभी नहीं मिलता है, हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, तो यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है। हाँ तो दोस्तों जैसे कि हाँ ये रहा, चलिए हम लोग थोड़ा कैमरा के सैंपल्स देख लेते हैं। ओके तो इसमें मेरे को ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे फोटो वीडियो 1x 2x, ये देखिए 4x का जूमिंग दे रहा है, इसके साथ ढेर सारा ऑप्शन। फोटोज़ में आते हैं तो यहाँ पे देखने को हम लोग को बहुत सारा है जूमिंग, इसके बाद ये है कुछ ब्यूटी वाला मोड है शायद, है कि पोर्ट्रेट AI ब्यूटी का है। इसके बाद फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोस्तों ये है कुछ कैमरा सैंपल। फ्रंट वीडियो सैंपल पोर्ट्रेट मोड में मैं लेता हूँ थोड़ा फोटोज। मोड सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ढेर सारा ऑप्शन मिलता है, टाइम लैप्स, अल्ट्रा माइक्रो, स्लो मो, एक्सपर्ट और एक पैनोरामा। अल्ट्रा माइक्रो में अगर जाते हैं तो हम थिंक माइक्रो फोटोग्राफी में थोड़ा हेल्प करेगा। और मैं वीडियो सैंपल आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये रहा है वीडियो का कुछ सैंपल, आप देख सकते हैं कैसे स्टेबलाइज। सकते हैं ये इस तरह का फ़ोन है, स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं, फ्रंट क्वालिटी वीडियो की बहुत अच्छी है, मेरे को तो ठीक ठाक लगी, और स्टेबलाइजेशन भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, उतना ख़राब भी नहीं है, इस प्राइस के हिसाब से मेरे को बेस्ट लगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो देखते रहिए। यो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, तो अगर आप लोग इस फ़ोन को परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो आप अभी मैं बता देता हूँ कि इस रेंज में अभी ये फ़ोन सबसे बेस्ट है, और अभी भी और भी बहुत सारे अपकमिंग स्मार्टफोन आ रहे हैं अदर ब्रांड में, जैसे कि MI का आ रहा है Redmi 9A, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं कितना ये लाउड है, तो यूट्यूब खोल के हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसका जो मैंने स्पीकर टेस्ट किया तो मुझे उतना कुछ लाउड ज़्यादा नहीं पता चला, लेकिन
अराउंड 10,000 के लिए ये काफ़ी है, तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। इतना मेरे लिए थोड़ा लो लगा, लेकिन आप लोग के लिए मुझे भी ये काफ़ी होगा, इनफ होगा। तो आइए इसका मैं टेस्ट कर लेता हूँ, स्क्रीन लॉक, फेस लॉक और फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों चलिए अभी ओपन करते हैं। ये लॉक है डिवाइस हमारा, और फिंगरप्रिंट जैसे हम लोग डाले, टैप किए, इंस्टेंटली ये एकदम ऑन हो गया। जस्ट मैंने यहाँ पे टैप किया और ये इसका फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है। जस्ट टैप किया, ओपन, टैप, ओपन, टैप, ओपन। चलिए इसका फेस अनलॉक टेस्ट भी कर लेते हैं। अभी मैं फ़ोन की तरफ नहीं देख रहा हूँ, जैसे ही मैंने कैमरे की तरफ देखा, फ़ोन की तरफ, ये अनलॉक हो गया। तो इसका फेस लॉक भी बहुत काफ़ी फास्ट है, बहुत हद तक। तो बस यही है दोस्तों, अभी पबजी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये ग्राफिक्स जो गेम का है वो HD पे चल रहा है, हाई पे, और HDR मोड ये सब नहीं दे रहा है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे कि अगर ये फ़ोन आपको बढ़िया लगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। ये अंडर 10,000 में बेस्ट वैल्यूबल फ़ोन मिलता है आपको, वैल्यू फॉर मनी मिलता है। इसमें ढेर सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, प्लस इसका जो बैटरी है वो 5000 mAh, ये बहुत आराम से आपका ये स्टैंड बाय 30 days का देता है, एक फुल चार्ज होने के बाद। और ये फ़ोन मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया पर्सनली, देखने में थोड़ा प्रीमियम टाइप का लग रहा है, हाथ में लेने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। और आपको कैमरा के बारे में बता देता हूँ, फ्रंट, ये फ्रंट है इसका 5 megapixel का कैमरा है। 5 megapixel आपको लग रहा होगा ख़राब है, लेकिन ख़राब उतना नहीं है, कैमरा बहुत अच्छा फ़ोटो ले लेता है, मेगापिक्सल पे डिपेंड नहीं करता है आपका कैमरा। अगर आपको अच्छा लगा ये फ़ोन तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये आपको तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको खराब लगा, क्या बुरा लगा और क्या आपको अच्छा लगा इस फ़ोन में, क्या नया फीचर्स है तो आप अपना बता सकते हैं। और इसी तरह वीडियो हम लोग डालते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हाँ, तो और मेरे भाई लोग जो न्यू सब्सक्राइबर है और जो नई सब्सक्राइब किए हैं, वो अगर नए चैनल में आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल, क्योंकि हम लोग सर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं और हम एक और भी चैनल बनाने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून कीजिएगा हमारे चैनल में और सब्सक्राइब करते जाइए, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग नया नया वीडियो जल्दी लाते रहे। तो इसी तरह का इंफॉर्मेशन आपको देते रहे अनबॉक्सिंग के रिलेटेड ब्लॉगिंग। बस थैंक यू।